हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन द पब्लिक किचन। आज हम आलू का परांठा बनाएंगे। आलू का परांठा बनाने के लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। 7 आलू लिए हमने, मीडियम आकार के 6-7 आलू ले लें और उसको कुकर में आप 2 विसल आने तक बॉईल कर लें और उनको ठंडा कर लें। धनिया है, 1 कटोरी धनिया है, हरा धनिया धो के काट लिया। 1 प्याज, इसको बारीक बारीक काट लिया। 2 हरी मिर्चें हैं, उनको भी हमने बारीक काट लिया। 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच अजवाइन और साबुत धनिया क्रश किया हुआ, अनारदाना 1/2 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच, लाल मिर्च 1/2 चम्मच और 1 चम्मच नमक और ऑयल रोटी फ्राई करने के लिए, और गेहूं का आटा गूंदा हुआ, जिसको आप YouTube चैनल पे देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाया गया है। अब हम आलूओं को या तो ग्रेट कर लें या आप हाथ से या मैशर से मसल लें, जिस तरह से भी आपको इजी लगता है। अब आलू हमारे मैश हो गए हैं और ठंडे होने चाहिए बस आलू। अब इसमें हम हरा धनिया, प्याज, हरी मिर्च, अजवाइन, धनिया, जीरा, सारे मसाले डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। अनारदाना, गरम मसाला, नमक, लाल मिर्च, हरी मिर्च डालिए, इसलिए मिर्च कम डालिए। आप अपने स्वाद के अनुसार जैसा तीखा खाना चाहते हैं वैसा डाल दें। अब इसको हम अच्छी तरह मैश कर लेंगे। ये हमारी आलू के स्टफिंग तैयार हो गई। अब हम थोड़ा सा आटा लेंगे और आम रोटी के आकार का एक पेड़ा बना लेंगे। ये देखिए, ये हमारा पेड़ा बन गया। अब इसको हम थोड़ा सूखा आटा लगा के इसको थोड़ा अंगूठे के अंदर डाल के इसको थोड़ा सा इसको गोल सी एक कटोरी बना लेंगे, क्योंकि इसमें हमने आलू स्टफ करने हैं। बीच में से मोटा ही रहने दें, बीच में से पतला नहीं करना, बस साइडों से आप थोड़ा इसको बड़ा कर लें। और आलू आपने उतने ही लेने हैं जितना आपने पेड़ा लिया, उसी जितना ही आलू ले लें। और इसको आप, अगर आपके आलू में थोड़ा मॉइस्चर है, कई बार आलू ऐसे आ जाते हैं, तो आप इसको थोड़ा सूखा आटा लगा दें ताकि उसका मॉइस्चर निकल जाए। अब इसमें आप अच्छी तरह उसको दबा के और बीच में एक अंगूठे से दबाते जाएं, दूसरे अंगूठे से उसको हाथ से उसको ऊपर से फोल्ड करते रहें। इस तरह से सारा इकट्ठा कर लें और फिर इसका एक पेड़ा बना लें। ये जो ऊपर आ जाए इसको दबा दें और फिर सूखे आटे में इसको डाल के और इसका रोटी बेल लें, इसको रोटी की तरह। इसको आपने ज़्यादा सख्त हाथ नहीं लगाने, क्योंकि इसमें आलू भरे हुए हैं, इसलिए थोड़ा नरम नरम हाथों से आपने इसको बेलना है। बाई चांस अगर आपके आलू किनारे से या कहीं से निकल जाते हैं, तो थोड़ा सा सूखा आटा लगा के उसको हाथ से आप ठीक कर लें। ये इस तरह से, ये प्याज होते हैं कई बार वो निकल आते हैं बाहर। ये देखिए, अब इसको आप आराम से उठा के तवे पे डाल दें। एक साइड पे हल्का सा पक जाए और फिर इसको आप पलट दें। मीडियम आप इसको सेक जो है मीडियम रखें, मीडियम से भी थोड़ा सा अगर कम कर लें अपने हिसाब से आप चेक कर लें। और एक पलटे से इसको
पलट के देख ले कि दूसरी साइड से पक गया कि या नहीं रोटी। ये देखिए इसको पलट लें और फिर इसके ऊपर थोड़ा ऑयल लगा दें। दूसरी साइड से पक गई है, अब पलट थोड़ी पकने के बाद ही ऑयल लगाएं। अब हम इसमें दो छोटे चम्मच ऑयल डाल देंगे, ऑयल आप अपने हिसाब से डालें और इसको फ्राई करेंगे। दूसरी साइड पे थोड़ा कम तेल लगाएं। और पलटे से पलट लें इसको, आराम से हाथ नहीं जलेगा। थोड़ा मीडियम से कम सेक रखेंगे तो रोटी हमारी क्रिस्पी बनेगी अच्छी, ज्यादा तेज सेक नहीं होना चाहिए। ये हमारा परांठा देखिए दोनों साइड से बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से आप दूसरे भी परांठे बना सकते हैं, बाकी के भी परांठे बना लें। इसी तरह से आप बाकी के भी परांठे बना के तैयार कर लें। ये हमारे आलू के परांठा बनके तैयार हो गए हैं। इसको आप सुबह नाश्ते में दही मक्खन अचार किसी के साथ भी आप खा सकते हैं, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन क्लिक करना ना भूलें और राइट हैंड पे बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ और इसको आप ज़रूर बनाएं और खाएं और फिर अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।